मार पड़ने के बाद मरो तो वो चीज समझ में आती है कि चिल्लाओ भाई, लेकिन वो तो मार पड़ने के पहले डंडा उठते ही हम मरे उसको देख करके कि हमें आने वाला, क्योंकि हिंदुस्तानी दिमाग तो बड़ा तेज दिमाग है ना, बुद्धिमान है, तो पहले से फैसला कर लेता कि डंडा उठ गया है, आ रहा है, अब हमारे ऊपर पड़ने वाला है, तो फिर चिल्ला दो भाई पहले ही से कि पिट रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये मैं आपको आमतौर से जितने भी छोटी जात के दबे हुए लोग हैं उनके लिए कहता हूं। अब जैसे हरिजन हैं या पिछड़ी जातियों के लोग जिनको ऊंचे उठाना है, उनके बारे में ये बात प्राय 90% लागू होती है कि वो डंडा पड़ने के बाद नहीं बल्कि डंडा उठने के साथ ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम मर गए। और किसी कदर वही तबीयत बड़े लोगों की भी होती, हाँ वो लोग मुहावरे जानते हैं, इसलिए अच्छे बढ़िया शब्दों में उसको ढकना जानते हैं, उस ढंग से दिखा दुख दिया, तब ये चरित्र कितना गिर गया। इसके साथ साथ मैं शरीर की गिरावट की भी बात कह दूं, जो कमजोर है गरीब है, कभी कभी आप एक काम किया करो, मैं तो पिछले 8-10 बरस से कर रहा हूं, अक्सर मेरे समझ में नहीं आता था कि ये हिंदुस्तान हो क्या गया है। मैं आपको एक किस्सा अपना बताता हूं, कोई 15 बरस पहले का है, उसी के आसपास मैंने एक बार दो बार 10 बार गांव की सभाओं में देखा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो बड़ी जल्दी औंघने लग जाते हैं, झपकी मार लेते हैं। तब जवानी थी, बुरा लगा, मैंने कई दफे डांटा टूटा, लेकिन फिर सोचना शुरू किया कि आखिर बात क्या है। ये तो नहीं है कि मैं कोई बहुत खराब बोलता हूं या लोगों को दिलचस्प बातें लगती नहीं है, तो फिर क्यों इतनी ये झपकी मार लिया करते हैं, और खासतौर से ऐसी सभाओं में जिनकी जिनमें कि सुनने वाले वो लोग हैं जो मेरे भक्त हैं, फिर भी झपकी मार लेते। तो कई बार तहकीकात की, फिर सोचा, फिर पता चला कि वो बेचारे पेट में पूरी तरह से खा करके ही नहीं आते हैं, तो कैसे ध्यान लगा करके सुने, अगर घंटे दो घंटे से ज्यादा सुनना सुनाना है, आंखें झपकने लगती, शरीर टिक नहीं पाता। तब फिर मैंने उनके बाहों को टटोलना शुरू किया, और ये काम मैं अक्सर किया करता हूं, जब कभी मुझको ये लगता है कि ये इलाका बहुत ज्यादा या ये वर्ग बहुत ज्यादा गिर गया है, तब उनकी बाहें टटोलता हूं। और फिर जानते हो क्या पता चलता है, आपको भी वही पता चलेगा, एक दूसरे की भी कभी कभी टटोल लेना, और खासतौर से जो गरीब इलाके और गरीब तबके उनकी, जैसे गूंदे हुए आटे में उंगलियां धंस जाती हैं, वैसे हिंदुस्तान की जनता की मसलियों में भी उंगलियां धंस जाया करते हैं। ये तो हमारे देश का शरीर का चरित्र हो गया। मैं नहीं कहता कि 47 करोड़ का यह हाल है, लेकिन मुझे अचरज नहीं होगा अगर 15-20 करोड़ हिंदुस्तानी, 10 करोड़ तो लाजमी तौर से ऐसे हैं कि जिनके नसलियों को उंगली से दबाओ तो वो उसी तरह धंस जाएंगी जैसे गूंदे हुए आंचे में उंगली धंस जाती। हमारे राष्ट्र का शरीर इस कदर तबाह कर दिया गया, और उसी के साथ साथ चरित्र भी तबाह हो गया है। जो आज की घटना बताती, सरगा माता पर चीनी टुकड़ी चढ़ाई कर लेती, हमारी टुकड़ी मौसम के सबब से लौट आती है। चीनी कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और खेल के माहिर थे ये लोग। खैर, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के बारे में मैं आपको बताया, सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, मैं समझता हूं कि अंग्रेजों की ये जो संरक्षण पार्टी है, अनुदार पार्टी है, चर्चिल वाली पार्टी, जो कि बहुत ही दकियानूसी है, बहुत ही नरमपंथी है, उसके लोग भी वही मन की मजबूती दिखाते। ये ना समझना कि कोई कम्युनिज्म से इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक कुछ और चीजों से, राष्ट्र के चरित्र से। रह गया खेल के माहिर के बारे में, तो मोटी तौर से आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दे देना। क्या बात है कि हिंदुस्तान में इधर 12 बरस में जो कुछ सरकार की तरफ से रुपया खेलकूद पर खर्च किया गया, मेरा अंदाज है कि उसमें आधे से ज्यादा क्रिकेट के ऊपर खर्च किया गया है। आप लोग तो जानते नहीं, जो आपके अरबों रुपए पंचवर्षीय योजना में खर्च होते हैं, उनमें से कई करोड़ रुपया खेलकूद पर भी खर्च होता है, और होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में खेलकूद की अपनी एक जगह होती, एक तो खाली तफरीह के लिए, दूसरे शरीर के निर्माण के लिए, तीसरे दुनिया भर में कोई रुतबा हासिल करने के लिए, तो रुपया सरकार की तरफ से खर्च होना स्वाभाविक ही है, होना चाहिए। लेकिन किस खेल के ऊपर आधे से ज्यादा रुपया मेरा अंदाज है खर्च हो जाता है, क्रिकेट के ऊपर।
क्रिकेट कौन सा खेल है, क्या उसकी अहमियत, कौन खेलता है उसको, सामंती खेल है, दरबारी खेल है, बड़ा वाहियात खेल है, चार चार छह छह दिन चलता है, पूरे दिन भर चलता है, कौन उसको खेलने और देखने जाएगा, छह दिन पूरे दिन भर खेलने और देखने की कुवत किसमें होगी, जो या तो उसको दौलत मिली हुई है और या अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल पहचानता नहीं। ये एक सामंती खेल है, उस जमाने का खेल है जब लोगों के पास, कुछ लोगों के पास काफी पैसा, काफी समय और काफी ऐसे मौके रहते थे। वो खेल अंग्रेज लोग खेलते थे, बड़ा भारी उसके पीछे इतिहास है, आज भी अंग्रेज खेलते हैं क्योंकि उनके यहां वो तबका चला आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जैसे दूसरे देश जब इस खेल को अपनाते हैं और खेलते हैं तो मुझको अचरज होता है कि आगे किस बुनियाद पर यह खेल खेला जाता, कई दुनिया में और ये खेल नहीं खेला जाता, अंग्रेजों के इलाकों को छोड़कर के जो जनतंत्र के जमहूरियत के देश है वहां क्रिकेट नहीं खेला जाता, सिर्फ अंग्रेजों के इलाके में खेला जाता। हम लोग नकल करके उसी खेल को खेलते हैं, उस पर रुपया बर्बाद करते हैं, तो कहां फिर सरगा माथा की चोटी के ऊपर पहुंच पाएंगे, कहां अपने चरित्र को बदल पाएंगे। नकल, खराब नकल, दरबारी और सामंती तरीकों की नकल, गिलच, मुलम्मा, यह है आज का हिंदुस्तान। जो असली सोना है उसको फेंको और रांगे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा करके उसकी इज्जत करो, यह है श्रीमान जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान। कहां देश का चरित्र ऊंचा हो पाएगा, कैसे राष्ट्र का स्वभाव बड़ा हो पाएगा, कैसे 40 करोड़ का उत्थान हो पाएगा, और सिर्फ इसलिए कि पिछले 12 बरस में उस गर्म हवा को खत्म करके हम नरम तरफ पे चले। कैसा नरम तरफ पे गए हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं उनके बर्ताव से तो आप साफ देखते ही, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके जितने भी कार्यक्रम हैं पहले कुछ गर्म थे, अब नरम होते जा रहे हैं, हो गए हैं और भी ज्यादा होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब ये पार्टियां संपत्ति के, बड़े बड़े कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात कम से कम कर लिया करती हैं, लेकिन इधर कई वर्षों से वो बात बिल्कुल बंद है, रह गए इनके मजदूर आंदोलन, जो क्रांति की नींव समझे जाते हैं। उन मजदूर आंदोलनों का किस्सा तो आप जानते ही हो, मजदूरों की खुद क्या हालत हो गई, उसके सबक ढूंढने लगे तो बड़ा दिलचस्प मामला निकलेगा। बहुत करके शायद नेताओं ही का दोष ज्यादा निकले, लेकिन अब तो मजदूरों की भी यह हालत है कि मजदूर ऐसे आंदोलन और ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो उनसे हड़ताल और लड़ाई की उम्मीद न करे, बल्कि जो सरकार या मालिकों के साथ साठगांठ और चालाकी करके उनको इधर उधर का कुछ फायदा पहुंचा दे। आखिर ये जो कांग्रेस वाली राष्ट्रीय मजदूर संस्था है वो इतनी तरक्की क्यों हासिल कर गई, इसी एक कारण से, तरक्की मतलब मेंबरी वगैरह में, वो तो बिल्कुल साफ। लेकिन मैं आपसे और मजदूर नेताओं के बारे में कहूंगा कि जो मान लो प्रजा सोशलिस्ट के हैं या स्वतंत्र हैं या कम्युनिस्ट के हैं, इनमें भी उन नेताओं को मजदूर लोग अपनाते हैं जिनके बारे में उनको आशा रहती है कि सरकार के किसी मंत्री से बातचीत करके वो कभी समझौता करा सकेंगे। ये डाकखाने की यूनियन है, रेलवे की यूनियन है और दूसरे सरकारी नौकरों की यूनियन है, ये ढूंढ ढूंढ करके ऐसे आदमियों को टटोलती हैं, विरोधी पार्टियों यानी कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट में उन लोगों को जो नरम रास्ते पे चलते हैं, उन पार्टियों में भी कुछ गरम रास्ते पर चलने वाले लोग तो उनको वो ठुकरा देते हैं, उनसे डरते हैं, सोचते हैं कि भाई कहीं ये ले लिए गए तो नाहक हमको मिनिस्टर साहब से, कहीं मंत्री साहब से इस तरह की लड़ाई करनी पड़ी कि हड़ताल वगैरह हो जाएगी तो क्या सिलसिला हो जाएगा। तो ये सब पार्टियां भी नरम रास्ते पे जा रही है। मैं आपको मेक्सिको का एक हाल बता देता हूं। मेक्सिको में जो सरकारी पार्टी है वो किसी जमाने में गरम पार्टी थी, अब तो वो बिल्कुल नरम पार्टी हो गई। उसने एक
राजनीतिक कला सीखी। अपने मुकाबले में कुछ पार्टियां वो खड़ा कर दिया करती, उनको पैसा देती, उनका प्रचार करती, उनके दफ्तर चलाती, लेकिन उनको अपने कब्जे में रखती। बाकायदा मेक्सिको में ये एक राजनीति की बुनियाद हो गई है कि सरकारी पार्टी अपनी मुखालिफत करने के लिए कुछ विरोधी पार्टियों को खड़ा करके उन्हें पैसे और प्रचार से मदद करती। और मैंने यहां तक सुना है कि कभी कभी तो एक आध नेता भी दे दिया करती, अगर मान लो वो पार्टियां ठीक तरह से चल नहीं पा रही, जिसमें कि जनता के उखड़े हुए मनों को, दिलों को ये विरोधी पार्टियां फिर भी फांस करके रखें कि कहीं बहुत ज्यादा बड़े विरोध में उनका मन न चला जाए, और फिर जब जरूरी मौके हो उस वक्त सरकार के साथ ही ये पार्टियां रह जाएं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी ने भी मेक्सिको के इस उदाहरण से कुछ सीखा। जब कभी इतिहास पूरा लिखा जाएगा तो पैसा और प्रचार दोनों साबित हो जाएगा कि सरकारी पार्टी ने विरोधी पार्टियों के नरम नेताओं की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये तो नरम पंथ चल ही रहा, इतना काफी नहीं था। अब कम से कम शहरी हिंदुस्तान के लिए एक नरम पार्टी अलग से खड़ी हो गई, और वो है स्वतंत्र पार्टी। देहाती हिंदुस्तान के लिए मैं अभी नहीं कुछ कह रहा हूं, कुछ हिस्सों को छोड़ दो जहां पुराने राजाओं का असर है, लेकिन पूरा जो देहाती हिंदुस्तान है वहां न कोई नरम हवा है न कोई गर्म हवा है, आमतौर से आप कह सकते हो एक तरह की निराशा है। देहाती गांव के हिंदुस्तान में एक निराशा, लोग घबरा गए, उम्मीद अब रखते नहीं, कुछ बातों के ऊपर सोच विचार करने के लिए वो तैयार नहीं अभी फिलहाल, कुछ कभी कभी कर भी ले जाते हैं क्योंकि देहाती की एक अच्छी तबीयत, अगर वो किसी को बहुत तकलीफ उठाते देखता है तो उसका मन कुछ ललचाने लगता है कि भाई शायद इसमें मामला बन जाए, सुनो तो सही क्या कह रहा है। तो देहाती हिंदुस्तान में आप कह सकते हो बुनियादी तौर से एक निराशा है, एक अविश्वास है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उत्सुकता है। लेकिन ये जो शहरी हिंदुस्तान है इसमें तो बिला शक एक नरम हवा बह चली है। ये स्वतंत्र पार्टी का जो मैंने आपसे जिक्र किया, खाली इसी को मत आप समझ लेना, क्योंकि आखिर को कांग्रेस पार्टी में या प्रजा पार्टी में और स्वतंत्र पार्टी में और जनसंघ में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। इन पुरानी पार्टियों में भी काफी ऐसे हिस्से हैं, लोग हैं, और उसके साथ साथ बुनियाद कुछ ऐसी है कि वो स्वतंत्र पार्टी के नरम पंथ के साथ मिल जाते हैं, एकदम नहीं मिलते तो कम से कम साथ साथ चलने वाले हैं। और इसलिए ताज्जुब नहीं होगा अगर स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि यह खुद तो कोई चुनाव हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर जीत नहीं सकेगी, लेकिन जो पुरानी पार्टियां हैं उनके साथ समझौता करके कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल करे। और ऐसा मौका आ भी सकता है कि जब कांग्रेस के नरम, बहुत एकदम से बिल्कुल नरम पंथी लोगों के साथ मिल मिला करके कोई बहुत तोड़ के मौके पर कुछ कर भी बैठे, यो चुनाव के रास्ते तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ये नरम पंथी लोग कुछ कर सकते हैं हिंदुस्तान, क्योंकि उसका तो साफ तारा, इतनी ज्यादा दरिद्रता, दुख और अत्याचार और जुल्म, इतना ज्यादा हिंदुस्तान का मन बैठा हुआ है, एक तरफ मसलियां बिल्कुल आटे की तरह से दबी हुई है और दूसरी तरफ दिल समझो पाले और बर्फ से बिल्कुल ठंडा हो चला है, कि हिंदुस्तान के लोग अब किसी नरम कार्यक्रम से उठाए नहीं जा सकते। करीब करीब मैंने ये साबित किया आपको ये वाक्य कह करके कि अब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को हराने वाली पार्टी नरम रास्ते पर जाकर के कभी तैयार हो नहीं सकती, क्योंकि इस शरीर और इस मन को गर्माने के लिए एक बिल्कुल गर्म रास्ता ही कामयाब होगा, उसमें देर लग जाए, 5, 10, 20 बरस लगे, लेकिन गर्म रास्ते के अलावा और कोई कारगर हो नहीं सकेगा। अब ये शहरी हिंदुस्तान में नरम रास्ता जो बह चला है उसके पीछे कुछ और कारण, एक तो धर्म और खुदा भगवान का कारण, उसको मैं ज्यादा नहीं उठाना चाहूंगा। ऐसा मुझको लगता है कि सियासी लोग दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई नरम रास्ता
चलना हो और जनता को उस पर ले जाना हो तो खुल्लम खुल्ला मत कहो कि नरम रास्ते पर चलना है, उस रास्ते को जरा छुपा दो और कहो कि खुदा और भगवान के रास्ते पर जाना है। इसके सिवा मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जहां तक भगवान और खुदा को बचाने की बात है, मैं तो कई बार कह चुका हूं, जो हिंदू अपने को बड़ा हिंदू धर्म वाले कहते हैं, ये दूसरी बात है कि हिंदू और हिंदू धर्म का झगड़ा अगर सिख से चलाना है, मुसलमान से चलाना है, या हिंदी का झगड़ा उर्दू से चलाना है, गुरमुखी से चलाना है, या और किसी भाषा से चलाना है, ऐसे मामलों में मुमकिन है कि जनसंघ जैसी पार्टी ज्यादा धार्मिक पार्टी हो मेरे मुकाबले में, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो धर्म वाले लोग हैं, हमने क्या धर्म रखा, या स्वतंत्र पार्टी ज्यादा धर्म की पार्टी। लेकिन मैं सिर्फ तीन चीजें गिनाए देता हूं, उसमें आप देखना कि कौन ज्यादा धर्म वाला है। एक चीज तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियों को साफ करने का मामला, क्योंकि करोड़ आदमी रोज इसके पानी को पीते हैं या इसमें नहाते हैं, इनमें कारखाने का गंदा पानी बहता है, इसमें शहर का गंदा पानी, पेशाब पखाना वगैरह बहाया जाता है, इसको साफ करने की बात किसने ये बात उठाई? मुझ जैसे गैर मजहबी आदमी ने या उस मजहब वाले लोगों ने? दूसरी बात, तीर्थ स्थानों को साफ करने के लिए द्वारका, रामेश्वरम और उसके साथ साथ मैं अजमेर भी गिनाए देता हूं, क्योंकि उससे फर्क पता चल जाता है मुझ में और इन लोगों में, इनको साफ करने की बात किसने कही? तीसरी बात, कैलाश पर्वत के ऊपर जो चीनियों ने कब्जा जमाया उसकी बात किसने उठाई? ये धर्म की दुकान खोल करके जनता की वोट लेने वाली पार्टियां अलग, लेकिन जिस धर्म का मतलब है दरिद्र नारायण, करोड़ों लोग, उनके फायदे नुकसान की बात, उनके तंदुरुस्ती, मन की, शरीर की, उठाने की बात, उस धर्म के मामले में ये खुदा और भगवान को रोज जपने वाली पार्टियां कुछ नहीं करती, ये बिल्कुल साफ बात है, तो उसको तो छोड़ दो। लेकिन ये सही है कि स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ या इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सब पार्टियां भगवान और खुदा का नाम लेकर के, क्योंकि वो पलटन तो चली आ रही है ना कई हजार बरस से, बहुत जल्दी कारगर हो जाया करती। अब रह जाती है और बात संपत्ति की, जायदाद की और सरकार के दखल की, उसमें जरूर इन लोगों को कुछ सहारा मिल जाता, क्योंकि कुछ बात सही है, ज्यादा बात गलत है। कुछ बात सही कैसी है कि आजकल हिंदुस्तान में छोटे व्यापार में सरकार की तरफ से दखल बहुत हो रहा है, ये कोटा वाला, परमिट वाला, बिक्री टिकट के इंस्पेक्टर वाला, तरह तरह के और दखल, कि जिससे हिंदुस्तान के 2, 4, 5 या 6 करोड़ जितने भी छोटे मोटे दुकानदार होंगे उनको चिढ़ लगती है, क्योंकि ये सरकारी अफसर न सिर्फ उनसे रुपया घांसते हैं बल्कि उनको बेइज्जत भी किया करते हैं हर किसी मौके के ऊपर। अब ये 4-5 करोड़ दुकानदार सहज ही स्वतंत्र पार्टी या जनसंघ या प्रजा और कांग्रेस के वो जो बहुत ही नरमपंथी तबका है उसके शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये पार्टियां इन छोटे व्यापारियों के सामने आकर के कहती हैं कि देखो सरकार दखल करके हिंदुस्तान की जिंदगी को खत्म किए डाल रही है, हम सरकारी दखल को खत्म करना चाहते हैं। उनको सुन के ये बात पसंद आती कि सरकारी दखल खत्म हो, कहीं हम स्वतंत्रता की सांस लें। एक चीज आप ये याद रखना कि जितना ज्यादा बड़े व्यापारी की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की है उतना ज्यादा शायद ही कोई पार्टी कर पाए, सबूत मैं देना गैर जरूरी समझता हूं, कई दफे दे चुका हूं। इसलिए संपत्ति का तो कोई सवाल उठता नहीं, कोई ये कहे कि संपत्ति की रक्षा स्वतंत्र पार्टी या जनसंघ ज्यादा करेंगे कांग्रेस के मुकाबले में, तो बिल्कुल गलत बात होगी। संपत्ति की रक्षा आज भी हो रही है, लेकिन छोटी संपत्ति के मामले में मान अपमान वाला दखल खास तौर से जो कांग्रेस सरकार की तरफ से हो रहा है उसके बारे में स्वतंत्र के लोग थोड़ा बहुत मन में एक चुलबुली पैदा कर देते कि शायद भाई हमारा अपमान इतना ज्यादा नहीं होगा। और खाली व्यापारी नहीं, जो बड़ी हैसियत के किसान हैं उनके मन में भी, 150 एकड़ के किसान हैं उन तक भी ये पार्टियां पहुंच जाती, कहते हैं देखो ये सरकारी दखल कम किया जाएगा, तुमको एक मान की जिंदगी मिल पाएगी। तब इस संबंध में मुझे आपसे एक बात ये कहना है कि किसी हद तक ये बात सही है कि सरकार की तरफ से दखल आज बढ़ा हुआ है। उस दखल का एक पहलू तो मैं बिल्कुल मानता हूं, और वो ये
कि एक सरकारी दखल तो कानून का होता है और दूसरा सरकारी दखल नियमों का होता है, जिन नियमों को कोई न कोई सरकारी अफसर अपनी सफर अपनी समझ के मुताबिक लागू करता है। दोनों में बड़ा फर्क है। कानूनी दखल तो सबके लिए एक सा लागू होता है, लेकिन नियमों वाला दखल सरकारी नौकर के मन के ऊपर रहता है और वो सरकारी नौकर या तो रुपए की लालच से या घूस लेकर के या अपने जात बिरादरी की तरफदारी करके या और किसी तरह से हमेशा पक्षपात वाला दखल बना देता है और वो बुरा होता है। तो जो आजकल नियमों का दखल चल रहा है उसके बारे में तो मैं कहना चाहता हूं ये जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। और सरकारी नौकरों को आदत पड़ गई है, कुछ उन्हें मजा मिलने लग गया है, जब देखो तब कोई ना कोई हुक्म निकालते रहते हैं, इस रास्ते जाओ उस रास्ते जाओ, यहां उठो वहां बैठो, यहां 6 बजे के बाद मत जाओ, ये मत करो, यहां रिक्शा मत लेके आओ, वहां खाली मोटर जा सकती है। इस तरह के ऐसे उल जलूल वाहियात नियम बनते रहते हैं कि मुझ जैसा आदमी जिसको कहीं कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है फिर भी हमेशा झुंझलाता रहता है कि कैसे नियम बन रहे हैं। जिंदगी सचमुच बहुत खराब कर रखी इन लोगों ने। लेकिन इससे भी बड़ा और एक दखल है, बहुत बड़े पैमाने का, और वो तो ये ऐसा है कि समाजवाद को गुलामी बना देता है। श्री राजा गोपालाचारी भी कहा करते हैं कि समाजवाद माने गुलामी। मैं भी कहना चाहता हूं कि आज का समाजवाद माने गुलामी, ये है गुलामी। उनका मतलब तो खैर कुछ और है, उनका मतलब है कि जायदाद जैसी है वैसी रहने दो, जायदाद में कोई परिवर्तन के कायदे कानून मत बनाओ, और जो सरकार जायदाद को बदलने की के कानून बनाती है वो गुलामी लाती। उनका तो वो मतलब, वो गलत मतलब। मेरा ये मतलब कि अगर जायदाद को खत्म करना है तो फिर उसके लिए कानून बनाओ। और ये खींचा देने ताने वाली नियमों के भरमार मत करो कि जहां सरकारी नौकर को मौका मिल जाता है अपनी इच्छा और मर्जी के मुताबिक दखल देने का। और उसके अलावा एक दूसरे मतलब से मैं कहता हूं समाजवाद माने गुलामी, क्योंकि समाजवाद की क्या मतलब, जो आज निजी कारखाने हैं संपत्ति है उसको लोक संपत्ति बनाओ, पंचायती मिल्कियत बनाओ। जब वो पंचायती मिल्कियत बनेगी तो जाहिर है कि जो लोग पहले मजदूर और नौकर थे किसी कारखाने में, अब वो सरकार के नौकर हो जाएंगे। तो समाजवाद में पंचायती और सरकारी नौकरों की तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। तो एक तरफ तो समाजवाद सरकारी नौकरों और पंचायती नौकरों की तादाद को बढ़ाने वाला विचार है, और दूसरी तरफ क्या कायदे कानून बने हुए, रेलवे के नौकर लोग राजनीति नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज के नौकर लोग मास्टर लोग राजनीति नहीं कर सकते, बीमा कंपनियों के नौकर लोग राजनीति नहीं कर सकते, जो कोई भी उद्योग धंधा पंचायती बने उसके नौकरों के लिए नियम बना दो कि तुम राजनीति कर नहीं सकते। तो इसके मतलब यही हुए ना कि जैसे जैसे कांग्रेसी मोहर वाला समाजवाद बढ़ता जाए वैसे वैसे पंचायती नौकरों की तादाद बढ़ती जाए और वैसे ही वैसे राजनीति करने वालों की तादाद घटती चली जाए। उनको खाली वोट देने का अधिकार रहे, लेकिन वोट कैसे दिया जाए, वोट के देने के लिए किस तरह की पार्टियां बने, उनके क्या प्रचार हो, उस प्रचार में क्या वो कोई हिस्सा ले या न ले, इससे उनका कोई रिश्ता रह ही नहीं जाए। मतलब हिंदुस्तान में समाजवाद के बढ़ते बढ़ते आबादी का बड़ा भारी हिस्सा और बढ़ता हुआ हिस्सा राजनीति की बहती हुई नदी से अलग कर लिया जाए। वो हिस्सा तो लाजमी तौर से मौजूदा सरकारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का समर्थक बनी जाएगा ज्यादा तादाद में। तो ये समाजवाद तो गुलामी होता चला जा रहा। लेकिन अभी मैं कोटा परमिट वाली बात थोड़े में आपको कह दूं, ये झंझट तो हिंदुस्तान में रहेगी, क्योंकि व्यापारी ज्यादातर कौन है, कुछ दूसरे लोग भी होंगे लेकिन ज्यादातर व्यापारी जात के बनिया। सरकारी नौकर कौन है, कुछ दूसरे लोग भी होंगे, एक आध जगजीवन राम जैसे भी उधर शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे झांसा लगा के चिड़िया को पकड़ा जाता है वैसे आजकल इन बड़े बड़े तबकों को, चमारों को, माला मदिगा को एक आध भाषा लगा करके पकड़ लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर सरकारी नौकर कौन है, ब्राह्मण,
कायस्थ या क्षत्रिय या मान लो आंध्र के शब्दों में मैं कहूं तो रेड्डी, शायद मैं समझता हूं कुछ थोड़े बहुत पलमा और कम्मा भी होंगे लेकिन रेड्डी ब्राह्मण। तो अब देखो आप, सरकारी नौकरी और व्यापार ये दोनों करीब करीब जात के हिसाब से बटे हुए हैं। मुसलमानों के हिसाब से भी ले लेना आप, सरकारी नौकरों में कुछ आपको शेख सैयद मिल जाएंगे। व्यापार ज्यादातर बनिया के हाथ में, सरकारी होगा ज्यादातर ब्राह्मण रेड्डी कायस्थ वगैरह के हाथ में। जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैं, 30 करोड़ 32 करोड़ लोग, कापू अहीर माला मदिगा चमार तेली जुलाहा मोमी, इनसे न तो व्यापार से मतलब है और न सरकारी अहदों से मतलब। तो हिंदुस्तान का बड़ा भारी हिस्सा तो इस दायरे से अलग, जो छोटा हिस्सा है उसमें भी दो बिल्कुल बटे हुए एक तरह से पलटने खड़ी हुई। तो अब देखो आप, सरकारी नौकरी और व्यापार ये दोनों करीब करीब जात के हिसाब से बटे हुए हैं। मुसलमानों के हिसाब से भी ले लेना आप, सरकारी नौकरों में कुछ आपको शेख सैयद मिल जाएंगे। व्यापार ज्यादातर बनिया के हाथ में, सरकारी होगा ज्यादातर ब्राह्मण रेड्डी कायस्थ वगैरह के हाथ में। जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैं, 30 करोड़ 32 करोड़ लोग, कापू अहीर माला मदिका चमार तेली जुलाहा मोमी, इनसे न तो व्यापार से मतलब है और न सरकारी अहदों से मतलब। तो हिंदुस्तान का बड़ा भारी हिस्सा तो इस दायरे से अलग, जो छोटा हिस्सा है उसमें भी दो बिल्कुल बटे हुए एक तरह से पलटने खड़ी हुई। नतीजा क्या होता है, व्यापार में जब व्यापारी पैसा कमाता है तो लाजमी तौर से उसी के जोड़ का जो ऊंची जात का दूसरा तबका है जो सरकारी अहदे पर बैठा हुआ है उसकी इच्छा होती है कि भाई इस कमाई में से थोड़ा हिस्सा भी ले ले, साफ सी बात। और इसलिए वो कोटा परमिट वगैरह के सारे मामले चलते हैं, कुछ हिस्सा वो भी ले लिया करता। तो जब तक हिंदुस्तान की ये जात प्रथा रहेगी और जब तक व्यापार और सरकारी अहदे तब तक ये समझना नामुमकिन है कि हम हिंदुस्तान में ईमान और आजादी, शहरी आजादी व्यापार के अंदर ला सकेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन। जहां कोई एक पेशा बिल्कुल एक जात के गिरोह में बंध जाता है वहां पर कायदा कानून ईमान सच्चाई खत्म होकर के गिरोहबाजी आ जाया करती। और जब गिरोहबाजी आती है तो फिर लोग एक दूसरे को लूटने खसोटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो आज आप भ्रष्टाचार देखते हो, एक बिल्कुल व्यापक भ्रष्टाचार व्यापार और सरकार का, वो तो तब तक जारी रहेगा, ये मैंने बुनियादी तौर से आपको बता दिया, जब तक ये जात प्रथा वाला मामला चलता रहेगा। चाहे स्वतंत्र आए, चाहे कांग्रेस जाए, चाहे और कोई आए, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी भी आ जाए, अगर उसने इस बुनियाद को नहीं बदला तो उसमें भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो चलता ही रहेगा। अब इससे एक गर्म पंथ की दूसरी बात भी मालूम होती, और वो ये कि जात प्रथा को खत्म करने के लिए कोई गरम प्रोग्राम चलाना चाहिए। इस संबंध में एकाएक आप में से कुछ का ध्यान जाएगा शादी विवाह की तरफ, कि जब तक ऊंचे जात वाले छोटी जात वाले से शादी नहीं करेंगे तब तक जात प्रथा मिटेगी कैसे। बात बिल्कुल सही, आखिरी मिटाओ की पहचान तो वही है, लेकिन एक चीज से सावधान रहना, कई दफे किसी चीज को अगर फेल कराना है तो आखिरी कदम की बात पहले कर दिया करो, जो शुरू के कदम हैं उनको मत उठाओ, आखिरी बात उठा दो। ये मैं भी पसंद करता हूं कि आज भी जितने ज्यादा ऊंची और छोटी जात के लोगों के आपस में विवाह हो उतना अच्छा। जो कुछ भी कला नाटक कविता उपन्यास इत्यादि के जरिए, क्लबों वगैरह के जरिए, संस्थाओं के जरिए, आपस में मिलन जुलन के जरिए और सरकारी कायदे कानून के जरिए इस तरह के शादी विवाह बढ़ाए जा सकते हैं, उनको बढ़ाना चाहिए।
और राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी इस तरह की हवा रहनी चाहिए कि लोग आपस में छोटे और ऊंचे जात वाले शादी करें, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको राजनीति का कार्यक्रम बना करके इसी के ऊपर कहना कि जब तक ये नहीं करते हो तब तक क्यों जात प्रथा के मिटाने की बात करते हो, वो ठीक नहीं होगी। कई दफे मुझको ऐसा लगता है कि शायद उस चीज को खत्म करने के लिए बात उठाई जाती, क्योंकि पहले कदम उठाओ। पहले कदम कौन से? पहले कदम ये है कि जो 30-32 करोड़ लोग हैं उनके ओहदे आत्मसम्मान और योग्यता को ऊंचा उठाया जाए, उनमें प्राण लाया जाए। आज जो निष्प्राण है, जिनके मन और शरीर की मसलियां घुल गई हैं, उनमें प्राण लाया जाए। इसीलिए ये कार्यक्रम आपके सामने है कि 60% सरकारी और दूसरे नेतृत्व की जगहें सुरक्षित की जाए, औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यकों यानी मुसलमान ईसाइयों में दबी हुई जातियां। अक्सर इसके समझने में कुछ गलती हो जाती, लोग समझते हैं कि जब मुसलमान कहा जाता है तो सभी मुसलमान, ऐसी बात नहीं। जिस तरह से ऊंची जाति जो हिंदुओं की है, बनिया ब्राह्मण वगैरह, उनको अलग किया जाता है, वैसे मुसलमानों में भी शेख सैयद को आप अलग कर देना। उसके अलावा जो मोमिन अंसार रहते हैं उनकी बात, क्रिस्तानों के अंदर भी जहां एक तरफ सीरियन क्रिस्तान या ब्राह्मण क्रिस्तान है, वहां दूसरी तरफ अवशा क्रिस्तान है, लैटिन क्रिस्तान है, छोटी जात के क्रिस्तान, तो अल्पसंख्यकों में छोटी जात वाले, उनसे मेरा मतलब। तब ये जो 5 तबके हैं, अगर हिंदुस्तान की पूरी आबादी में इनकी गणना की जाए तो ये आप समझो यानी 90% तो होते ही है, कोई 93-94% हो जाएंगे, क्योंकि औरतें तो सब, चाहे ऊंची जात वाली है उनको हटा दिया ना, सारे हिंदुस्तान में मुश्किल से 5 करोड़ ऊंची जात के मर्द आपको मिलेंगे, और 35 करोड़ बिल्कुल उस तबके की हैं जिनका कि मैंने इन 5 गिरोहों में जिक्र किया है। तो इनके लिए 60% की मांग की गई। कौन सी ऐसी बड़ी मांग कर दी गई? जब लोग कहते हैं कि इन 5 गिरोह वालों को लायक बनाओ फिर उनको ऊंची जगह पर बैठाओ, तो मुझे कहना वो बात तो असंभव है। ये लायक बन नहीं सकेंगे ऊंची जातियों के मुकाबले में। साधारण तरीके से जो पढ़ाई लिखाई और इम्तहान का साधारण तरीका है, उस तरीके में ऊंची जात वालों को 4-5 हजार बरस की दौड़ की आदत और इतना फायदा मिला है कि अब उनके मुकाबले में ये छोटी जात वाले नहीं आ सकते, जब तक इनको सहारा नहीं दिया जाता। जिस तरह से घर में किसी को चोट लग जाती है तो उसको उठने के लिए सहारा दिया जाता है, उस तरह से हमारे 4,000-5,000 बरस के चोट खाए हुए इन तबकों को सहारा देना पड़ेगा। और उस सहारे का यही मतलब है कि चाहे वो लायक नहीं है फिर भी उनको कुछ ऊंची जगहों पर बिठाना है। पहले उनको ऊंची जगहों पर बिठाओ फिर वो लायक बनेंगे। तो ये जबरदस्त फर्क है 60% संरक्षण में कि और जितनी भी हिंदुस्तान के सोचने के तरीके हैं वो कहते हैं पहले योग्यता फिर अवसर। ये तरीका कहता है पहले अवसर फिर योग्यता, अवसर जब मिलेगा तब ये योग्य होने लगेंगे, मौका दो तब ये लायक बनेंगे। और कोई ज्यादा नहीं, 94-95% आजादी के लिए सिर्फ 60% का संरक्षण माना गया है, लेकिन ये गर्मपंथी कार्यक्रम का बहुत जबरदस्त हिस्सा। अब आप कह सकते हो इसमें से एक सवाल उठा सकते हो, लेकिन फिर वो जो 5 करोड़ ऊंची जात के मर्द रह गए उनका क्या होगा? तो 40% जगह भी तो रह गई हैं, 60 की तो मैंने बात की, 40%। एक किस्सा मैं आपको बताऊं, एक ऊंची जात का आदमी है, मेरा बड़ा दोस्त था, अब भी है, बीच में वो जरा छिटक गया था क्योंकि मैंने कहीं पर कुछ भाषणों में कहना शुरू किया कि ऊंची जात वालों को समाजवादी पार्टी में खाद बनने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह से खेत में या फूल उगाने के लिए खाद होती है, उसी तरह से ऊंची जात वालों को खाद बन करके कोशिश करना चाहिए कि छोटी जात वाले नेता बड़ी तादाद में बने। कापू, कुमार, माला, मदिगा, चमार में नेता उठें, मेरा मतलब तो साफ था, जनता प्राणवान बने, लोगों में मन और शरीर की तेजी आए। लेकिन इस बात को सुनकर के कुछ ऊंची जात के लोग घबरा गए कि लोग भाई ये तो हमको खादी बनाए दिए जा रहे हैं, और फिर ये चीज मशहूर हो गई और एक इलाके के अंदर, और ये साहब जरा नाराज हो गए, कहें बस अब हमको तो खादी बनना है, खादी बनना है। कहते कहते वो इतने घबरा गए कि कुछ छिटकने लग गए,
तो फिर जब मुझको ये बात मालूम हुई तो मैंने उनसे कहला के भेजा कि भाई तुमको मैंने कहाँ खाद बनवाया, तुम तो चुनाव में पहले भी खड़े हुए हो आगे भी खड़े होगे। तो फिर जब उनको ये खबर मालूम हुई, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे सोचना, 60 ही सैकड़ा के लिए तो उन्होंने कहा, 40 सैकड़ा जगह तो अभी हम लोगों के लिए आए, तो सबके सबको खाद बनने के लिए कहाँ कह रहे हैं। तब उनके समझ में आई कि 60 सैकड़ा सिर्फ संरक्षण है, 40 सैकड़ा बच रहा है। लेकिन अब इस 40 सैकड़ा के बारे में एक और बात आप सोच लेना, अभी ये 40 सैकड़ा नेतृत्व की जगह चाहे सेना में, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे राजनीतिक पार्टियों में, चाहे पढ़ाई लिखाई की जगहों में, व्यापार में, किनको मिलती ऐसे ऊंची जात वालों के, ऐसे बामन बनियों को या रेडी को, कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे काफी पैसे वाले घरों में पैदा हुए और जो अपनी पढ़ाई या पुरखों की संपत्ति के कारण इम्तहान वगैरह अच्छा पास कर लेते हैं, सब ब्राह्मण ऊंची जगहों पे नहीं है ना। हिंदुस्तान में 3 करोड़ ब्राह्मण, 3 करोड़ ब्राह्मण में 2 करोड़ 80-85 लाख या शायद 90 लाख ब्राह्मण तो ऐसे होंगे जो सीधा बांधते हैं बेचारे, रुपया 2 रुपया रोज कमा लें तो उनकी तकदीर बड़ी अच्छी, और बहुत जाते हैं तो 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया रोज तक जाते हैं। 50 रुपया रोज से ऊपर जाने वाले इनमें कितने हैं, 10-15 लाख तो निकलेंगे ना। और ये 50 रुपया रोज से ऊपर जाने वाले लोग ही शासक वर्ग के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे रेड्डी हो, चाहे बनिया हो। तो जो आज हिंदुस्तान के नेतृत्व की जगह है वो ये ना समझ लेना कि ब्राह्मण रेड्डी बनियों को मिल जाती, वो मिलती है सिर्फ उन ब्राह्मण बनिया रेड्डी को कि जिनको 50 रुपए रोज से ज्यादा की आमदनी है, जो अपने बाल बच्चों को अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से शिक्षित कर पाते हैं, जिनके कपड़े लत्तों से भी आप देख सकते हो कि वो शासक वर्ग के हैं, वही चूड़ीदार और गला लंगोट, सब ब्राह्मण बनिया नहीं। और जब ये भी कार्यक्रम रखा जाता है कि अंग्रेजी जबान को हिंदुस्तान के सार्वजनिक दायरे से बिल्कुल खत्म करो, तो बिल्कुल साफ सी बात है कि ये 40 सैकड़ा जगह तो गरीब ब्राह्मण बनिया रेड्डी को मिल जाती है ना। अभी तक हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी के जात प्रथा को लोग समझ नहीं पाए, जो शेख सैयद हैं वो सुन के घबरा जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सब शेख सैयदों को कहां ऊंची जगह मिलती है, खाली वो 50 रुपए से ज्यादा वाली डैडी मम्मी वालों को तो मिलती है ना। जो गरीब शेख सैयद है वो अंग्रेजी के खत्म हो जाने के बाद इस 40 सैकड़ा जगह के लिए कम से कम बराबरी का मुकाबला कर सकेंगे आज उन बनिया ब्राह्मण शेख सैयद से जो हिंदुस्तान की बागडोर को अपने हाथ में थामे हुए। तो ये 40 सैकड़ा जगह के बारे में भी बड़ी तब्दीली होगी। अब मैंने आपको गर्म पंथ के कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम जायदाद वगैरह धन वगैरह को लेकर के बताया, लेकिन नरम पंथ मजबूत हो गया है शहर में, वैसे ये सिलसिला कुछ और बढ़ना चाहिए, लेकिन अब मैं इसको यहीं खत्म करता हूं ये कह करके कि अभी हाल कुछ खराब जरूर मालूम पड़ता है और शायद कुछ अरसे खराब रहेगा, क्योंकि ताकतवर लोग किसी भी गरम रास्ते को पनपने नहीं देंगे, और ये ताकतवर लोग भाषा या जात या खुदा और ईश्वर के सहारे को पकड़ करके हिंदुस्तान की जनता के काफी बड़े हिस्से को बरगदाते रहेंगे, और जो भी गरमपंथी कार्यक्रम है उसका प्रचार भी अच्छी तरह से होने नहीं देंगे। उसके अलावा गरम पंथ पर चलने वालों में भी एक खराबी, मैं एक किस्सा ही देके वो आपको बता देता हूं, न समझना वो किस्सा उसी आदमी पे लागू होता है, इसी तरह से सैकड़ों और होंगे। राउरकेला में हमारा एक आदमी जो 5-6 बरस पहले मुझसे पहली दफे मिला था, तो मैं अकस्मात ही उसकी तरफ खींच गया था, बहुत मैला फटा कपड़ा पहने हुए था, गरीब था, अकेला हाथ में झंडा लिए हुए आया,
ऐसा मालूम हुआ कि अकेला आदमी निसंकोच समाजवाद को एक बड़े इलाके में भी फैला सकता, शर्माता वगैरह नहीं। और उसके कपड़े लगते से मुझको लगा कि सचमुच ये गरीब आदमी है, दिल की आह लेकर के आया है। 5-6 बरस में काफी तब्दीली हुई। अब की बार जब मैं राउरकेला गया, 6 बरस पहले मैंने उसको राउरकेला में नहीं देखा था। राउरकेला के पास एक और जगह है, वो बिहार में है, वहां वो 30-40 मील चक्रधरपुर, वहां आया था, एक सभा थी। तो इसी से आप सोच सकते हो, इससे और भी लगा कि मन में लगन है कि 40 मील चल करके या सफर करके आया है। अब की बार जब मैं राउरकेला गया तो वो मिला नहीं, और मिलता भी कैसे, हो सकता है कि उसको पता भी ना चला हो, क्योंकि वहां सभा होगा तो मेरी थी नहीं। लेकिन मैंने सुना कि वो आदमी कुछ खुशहाल हो, खुशहाल तो नहीं कहना चाहिए, कुछ जम गया है, एक आध मकान भी हो गया है छोटा मोटा, 2-4-10 भैंस भी हो गई है, दूध वगैरह भी बेच बाच लेता है, कुछ कमा लेता है, कुछ हैसियत का आदमी हो गया। और फिर सारा सिलसिला कैसे हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहे जितनी कमजोर हो लेकिन सरकारी अफसर कुछ थोड़ा बहुत इसकी इज्जत करते हैं या डरते हैं, जो भी हो, समझते हैं कि भाई जो समाजवादी पार्टी में आया है उसका क्या ठिकाना, तीखा आदमी है, तेज आदमी है, प्रखर आदमी है, कभी अपनी बात तैयार जाए ना जाने क्या कर बैठे, कहीं बेइज्जती कर दे, तो इसलिए जरा वो छेड़खानी करते हुए हिचकते हैं। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने कुछ जमीनों के ऊपर कब्जा जमा लिया, क्योंकि लाल झंडा था, समाजवादी झंडा था, समाजवादी पार्टी थी, कौन उनसे छेड़खानी करे, अरे छोटी सी जमीन है, पार्टी का दफ्तर बनाए हुए है, कौन इनको वहां से हटाया जाए, और वो जमीन अब उनकी खुद की हो गई। तो जो गरीब है, जो कमजोर है, जो छोटा आदमी है, जो जो आज दबा हुआ है, उसे भी राजनीति का एक जरिया मिल जाता है कि जिससे वो समाज में अपने को थोड़ा सा ऊंचा उठा देता है। अब नतीजा ये होता है कि राजनीति एक कर्तव्य प्रेरणा, एक एक उसूल होने के बजाय बन जाता है अपनी खुद की बेहतरी करने का तरीका, एक पेशा, एक धंधा, और वो खतरनाक चीज। लेकिन फिर भी निराश हमको नहीं होना चाहिए। मैं तो अब ये नतीजा निकाल चुका हूं कि ये तो होगा ही, जब गर्म पंथ पर चलोगे और दबे हुए लोगों को उठाने की कोशिश करोगे तो जो लोग उठेंगे उनमें से काफी लोग, बजाय इसके कि सभी दबे हुए लोगों को उठाएं, वो अपनी खुद की उठाव से ही संतुष्ट हो जाएंगे और बड़े लोगों के साथ बैठने में ही वो अपना सब कुछ समझेंगे। तो इससे ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि रूठ के बैठ जाओ या निराश होकर अलग हो जाओ। इससे ये नतीजा निकालना चाहिए कि बहुत ज्यादा तादाद में छोटे लोगों के अंदर नेता बनाने की कोशिश करो, कितनों को ये बड़े लोग संतुष्ट कर सकेंगे। जिस तरह से अंग्रेजी जमाने में भी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के अंदर बेकारी के सबब से एक बेदारी आने लग गई और फिर उन्होंने राष्ट्रीयता का रास्ता अपनाया बजाय अंग्रेजों की नौकरी के, उसी तरह से आज के दबे हुए और छोटे जातियों के लोगों में भी जब बेकारी वगैरह आने लगेगी, जब वो अपने को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, तब इस गर्म रास्ते की तरफ उनको झक मार करके आना पड़ेगा, ऐसा मैंने समझ रखा। इसलिए इन सब चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। इतना बिल्कुल साफ कि अब हिंदुस्तान गर्म रास्ते पर चल करके ही प्राणवान बन सकता है और अपने शरीर को और स्वभाव और चरित्र को ऊंचा उठा सकता है। और जहां तक चीन वगैरह का मामला है, ये बिल्कुल साफ है कि इस रास्ते के सिवा और कोई है ही नहीं देश को ताकतवर बनाने का। देर चाहे लगे लेकिन रास्ता यही, इतनी बात मुझे आज आपसे कहना है।